आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। कांग्रेस पार्टी से बहुत से नेते भारतीय जनता पार्टी में दाखिल होने के लिए मन से उत्सुक होने का संकेत राज्य के अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार इन्होंने कहा है। रॉन्ग पार्टी में होकर जो राइट पर्सन है और जो राइट पार्टी में शामिल होना चाहते हैं उन सभी सदस्यों का भाजपा की पार्टी में स्वागत है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो दूसरी ओर चंद्रपुर के नवनियुक्त खासदार भाड़ूभाव धानोरकर इन्होंने पूरे जिले में दारू बंद के लिए आवेदन किया है। तो उनके इस आवेदन पर कई प्रश्न खड़े किए जाने पर कांग्रेस ने अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए, ऐसा भी सुधीर मुनगंटीवार इन्होंने कहा है। मैंने कहा कि जैसे दवाई की एक एक्सपायरी डेट होती है, उस एक्सपायरी डेट के बाद वो दवाई या अपने आरोग्य के लिए कारगर नहीं होती, वैसे राजनीति में अब कांग्रेस ये इसकी उपयुक्तता को खो दिया है। कांग्रेस के जो अच्छे लोग हैं, राइट पर्सन इन रॉन्ग पार्टी, ऐसे जो कांग्रेस के लोग होंगे उनको राइट पर्सन इन राइट पार्टी। कांग्रेस में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सेवा भाव से राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने सेवा भाव से राजनीति होना चाहिए, ऐसी राजनीति में ऐसे सेवा भाव करने वाले लोगों को साथ में लिया जाएगा। अब रॉन्ग पर्सन इन रॉन्ग पार्टी जो लोग थे वो रॉन्ग पार्टी में ही रहेंगे, उनको राइट पार्टी में प्रवेश नहीं। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।